दोस्तों फाइनली इंडिया थर्ड लार्जेस्ट टेलीकॉम ऑपरेटर वोडाफोन आइडिया यानी कि नया भी एक ऐसा सिचुएशन के ऊपर अभी रन कर रहा है और पूरा न्यूज देखते हुए ये लग रहा है कि वोडाफोन आइडिया कभी ना कभी तो इंडिया में शटडाउन हो ही जाएगा। और दोस्तों ये सच हो जाए, मतलब वोडाफोन आइडिया इंडिया में शटडाउन हो भी जाए तो हम इंडियंस को क्या कुछ फर्क आने वाले हैं। और दोस्तों इधर मैं एक छोटा सा एनालाइज कर रहा हूँ और एनालाइज करके मैंने देखा कि वोडाफोन आइडिया शट डाउन हो जाए तो गवर्नमेंट का तो नुकसान होगा ही होगा और जो सारा बैंक उधर लोन पे लिया था या फिर शेयर पर होल्ड किया था वो भी नुकसान पे आ जाएगा। लेकिन दोस्तों हम इंडियंस को क्या कुछ होने वाले, सब कुछ तो हमको ही झेलना पड़ेगा। और इसका ही छोटा अपडेट और छोटा हाईलाइट आपको जानना है तो ये वीडियो जरूर आपको आखिर तक देखना ही होगा। सो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्यामदीप, हमेशा की तरह दीप टेक टॉक यूट्यूब चैनल का और एक बिल्कुल फ्रेश नया एंड एवर एक्साइटिंग एपिसोड में आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजा देना बिल्कुल ना भूले ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन ऐसे ही आपको घर बैठे हर दिन मुफ्त मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों आज कुछ नया जान लेते हैं। सोच रहे वोडाफोन आइडिया यानी कि नया भी अभी तक तो इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट टेलीकॉम ऑपरेटर रहा है और दोस्तों यही वोडाफोन आइडिया का जो सिचुएशन चल रहा है इसको देखते हुए लग रहा है कि आइडिया उसका स्टेक दे देगा, सेल कर दे गवर्नमेंट को या फिर कोई प्राइवेट फर्म को। वोडाफोन उसका 45% का स्टेक या तो फिर गवर्नमेंट ले ले या तो फिर कोई प्राइवेट सेक्टर ले ले। मतलब वोडाफोन आइडिया फाइनली ऐसे कदर पर चल रहा है कि वोडाफोन आइडिया तो शट डाउन हो जाएगा। और दोस्तों यही शट डाउन हो जाए तो हम लोग इंडियंस जो है सबसे बढ़िया फर्क हम इंडियंस को ही पड़ेगा। मतलब दोस्तों एक तो मार्केट में रहेगा जियो और सेकंड पोजीशन में रहेगा एयरटेल। दोस्तों इधर आप सोच रहे होंगे कि ऐसा वीडियो आपने देखा कि जियो और एयरटेल मिलके मोनोपोली डुओपोली करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। क्योंकि दोस्तों अभी जो मार्केट का सिनेरियो है ये अभी वाईफाई का सिनेरियो चल रहा है, मतलब इंटरनेट बेसिस का अभी सिनेरियो चल रहा है। जियो और एयरटेल उसका इंटरनेट का प्राइस हाई कर दे तो मार्केट में अभी बहुत सारा वाईफाई प्रोवाइडर है, इंटरनेट प्रोवाइडर है, वो सब कुछ उसका घर में वो हाई स्पीड जो इंटरनेट प्रोवाइडर है वो लगा ही लेगा। और दोस्तों हर एक जगह के अंदर अभी तो केबल का ऑपरेटर है ही है और केबल लाइन का खुद एक इंटरनेट सर्विस है और जियो भी अभी है और दोस्तों बहुत सारा प्राइवेट ऑपरेटर भी है जो इंटरनेट चलाते हैं। और दोस्तों अभी का सिचुएशन और अभी का जो सीनरी है यह अभी इंटरनेट का सीनरी चल रहा है और दोस्तों इसके देखते हुए एयरटेल और जियो उसका प्राइस हाइक बिल्कुल नहीं करेगा और मोनोपोली डुओपोली भी बिल्कुल नहीं करेगा, उसका प्राइस डाउन करेगा। और ये तो एक क्या। और दोस्तों दूसरा बात है कि इधर एयरटेल और जियो रह भी जाए, वोडाफोन आइडिया शट डाउन भी हो जाए तो नुकसान होगा सबसे बढ़िया गवर्नमेंट का, क्योंकि गवर्नमेंट ने खुद उसको लगभग 2 करोड़ रुपया का अभी जो लोन है वो गवर्नमेंट की तरफ से है और SBI की तरफ से है, HDFC बैंक की तरफ से है। और दोस्तों जो IDFC बैंक है, मैंने शायद आप लोगों के साथ शेयर भी किया था कि IDFC बैंक उसका नेट वर्थ का 15% अभी वोडाफोन आइडिया के ऊपर रखा है। मतलब IDFC बैंक तो पूरा तरीके से गया, पूरा नुकसान ही नुकसान। और इधर दोस्तों वोडाफोन आइडिया शट डाउन भी हो जाए तो वोडाफोन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वोडाफोन एक UK बेस्ड कंपनी है, उधर उसका तो मार्केट अभी चल ही रहा है, अमेरिका, इंग्लैंड, हॉलैंड इधर तो उसका बिजनेस चल ही रहा है, ऑस्ट्रेलिया जैसे कंपनी में उधर तो चल ही रहा है। मतलब वोडाफोन का फर्क नहीं पड़ेगा। और दोस्तों इधर रह जाएगा आइडिया और आइडिया इधर रहते हुए उसका स्टेक टाटा या फिर अदानी को दे दे तो मतलब अदानी और टाटा के साथ बाद में जाके फिर आइडिया आएगा मार्केट करने के लिए। और दोस्तों जो फर्क सबसे फर्क पड़ेगा जो विलेज में रहता है, मतलब विलेज में 99% आप मान सकते हो कि वोडाफोन आइडिया का ही नेटवर्क वो यूज करते हैं, उधर एयरटेल का भी नेटवर्क अच्छा खासा नहीं है और जियो का तो बिल्कुल आप छोड़ ही दीजिए, इधर तो अच्छा खासा नहीं है। और दोस्तों विलेज एरिया के अंदर जो उसका पर्सनल नंबर है वो भी स्पेशली वोडाफोन या तो फिर आइडिया का है, तो आप मानो 90% से ज्यादा वोडाफोन का ही है। और दोस्तों आप ही ये वीडियो रिसर्च करके देखो कि अपना जो दोस्त वगैरह है या फिर फैमिली है वो देखो उसका स्पेशल नंबर जो होता है, मतलब जो पर्सनल नंबर है वो वोडाफोन का ही है। और दोस्तों ये पोर्ट आउट एक बार करना पड़े तो मतलब अभी वोडाफोन आइडिया के पास है 27 करोड़ सब्सक्राइबर, एक दिन में तो वो पोर्ट आउट नहीं होगा, वो नंबर बिल्कुल गया। और दोस्तों इधर आपको क्या लगता है कि वोडाफोन आइडिया फाइनली इंडिया में शट डाउन हो ही जाएगा या फिर डॉट ट्राई गवर्नमेंट मिलकर उसको सेव कर देगा, कॉमेंट्स में मेंशन करके जरूर बता देना। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा। वीडियो पसंद आने पर प्लीज एक लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पे नए हों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजा देना बिल्कुल ना भूले। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद एंड वंदे मातरम।